मैं हूं सानिया जी से, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शनिवार को डोंबिवली के कुंबर खान पाड़ा में थूकने को लेकर एक व्यक्ति के साथ लड़ाई के बाद कथित तौर पर एक 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। विष्णुनगर पुलिस ने 19 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर कैफ जावेद खान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी मुमरा के आरके कॉम्प्लेक्स का रहने वाला है। मृतक की पहचान विजय पाटवा के रूप में हुई है। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ डोंबिवली पश्चिम के नवपाड़ा में साई प्रसाद बिल्डिंग में रहता था। पुलिस के मुताबिक घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है। पाटवा बाइक चला रहे थे, तभी आरोपी ने सड़क पर थूक दिया था। इसी बात पर पाटवा उस पर चिल्लाने लगे। दोनों के बीच काफ़ी रोकझोंक और मारपीट हुई। आरोपी ने बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारा कि उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवापाड़ा भागा मध्ये यातील आरोपी कैफ खान हा पायी चालत असताना तसेच यातील मयत विजय पटवा वय 52 वर्षे हे बाईकवरून चाललेले असताना आरोपी याने थुंकल्यामुळे थुंकलेल्या अंगावरून त्यातून वाद झाला आणि त्यातून शिवीगाळहून त्याचं रूपांतर मारामारीमध्ये झालं। सदर मारामारीमध्ये विजय पटवा यांचा मृत्यू झाल्यामुळे नमूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आरोपी अटक करण्यात आले, त्या अनुषंगाने पुढील तपास आम्ही करत आहोत। आपल्याला 2 दिवसाची पोलीस कोठडी न्यायालयाने देण्यात आली।